हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स की वीडियो, यानी कि ये वीडियो वही है जो आपके जड़ता हूँ और जड़त वगैरह जो कराए थे उससे अगली वीडियो है। इस वीडियो में आज हमने ये क्वेश्चन रखा है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है कि घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, सिद्ध करो कि एकांक कोणीय वेग से घूमते हुए पिंड का जड़ता आघूर्ण उसकी गतिज ऊर्जा का दोगुना होता है। ठीक है, तो मतलब हमें एक तो ये चीज भी हमें प्रूफ करनी है कि आई बराबर टू के, ठीक है, इफ यदि जो ओमेगा बराबर कितना एकांक बोले तो एकांक कोणीय वेग से घूमते हुए पिंड का जड़ता आघूर्ण उसकी गतिज ऊर्जा का दोगुना होता है। ठीक है, ये प्रूफ भी करना है। देखो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 11वीं और BSc वालों के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमने एक पिंड लिया, देखो ऐसा है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट बोले तो कोई पिंड है, यानी कोई बॉडी है जो स्मॉल m1 m2 m3 डेडेडस बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, जिनके द्रव्यमान कितने m1 m2 m3 डेडेडस mn है, और जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 डेडेडस rn है। यानी कि ये जो पिंड है वो कितने से बना है, यानी m1 m2 यानी कि m1 m2 m3 द्रव्यमान वाले पिंडों से, छोटे कणों से मिलकर बना है। समझ में आ गई बात? तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली हम बात करें तो k बराबर क्या होता है, 1/2 mv2। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, v बराबर हमने r ओमेगा पढ़ा था, अभी हमने सिद्ध करा था इससे पहली वाली वीडियो में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमने बात करी एक पिंड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पिंड है ये n पार्टिकल से मिलकर बना है, जो ऑब्जेक्ट जो है पिंड कितने n कणों से मिलकर बना है, तब ठीक है, जब n कणों से मिलकर बना है तो यानी कि ये पूरा, मान लीजिए आप देखो ढंग से समझना बात को, आप बस में बैठे हो, बस में मान लीजिए आप बैठे हो, आपका छोटा भाई बैठा है, आपके पिताजी बैठे हैं, दोनों का तीनों चारों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे और बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, मतलब सभी के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, लेकिन बस जो है आपकी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो मतलब वो सवरे जितने भी बैठे हुए यात्री हैं सभी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई कार है और इसमें 1, 2, 3, 4 व्यक्ति बैठे हैं, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति बैठा हुआ उसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए यहाँ से पहुंचे आप 10 बजे ये दिल्ली पहुंच गई, कितने बजे पहुंची है 10 बजे पहुंची है, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसी समय पर दिल्ली पहुंचा है क्योंकि उस कार में बैठा हुआ, तो मतलब ये है कि जितनी कार की वेलोसिटी होगी उतनी ही इसमें बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की वेलोसिटी होगी। और डेट मीन्स ये है कि जब ये घूम रहा है, बेशक इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के, लेकिन ये एक ही वेलोसिटी से घूमेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, वो कौन सी, यानी कि एक ही घूर्णन वेग से घूमेंगे जो क्या है आपका ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग। तो इसीलिए n कणों के लिए हम बात करें, n कणों से मिलकर बना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसमें ओमेगा लगाइए, ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर डेड, इसी तरीके से जाता जाएगा n तक। समझ में आ गई बात? ये n तक क्यों किया, जब आपको लिख दे रहा हूँ प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे कि सर जी आपने ओमेगा में 1/2 क्यों नहीं लगाया, तो वही बात तुम्हें समझा रहा था कि यदि ये पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ऑब्जेक्ट का जितने कण हैं वो भी घूम रहे हैं, मतलब जिनका इनका जो सभी ऑब्जेक्ट का वेग यदि ओमेगा है
तो मतलब इस पूरे जितने भी कण हैं वो भी सभी क्या है ओमेगा वेग से घूम रहे हैं। मान लीजिए बस में आप बैठे हो, कार में आप बैठे हो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई बैठा है, नहीं द्रव्यमान अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो कार जितने वेग से चलेगी वो उतने ही वेग से सभी लोग चलेंगे। बेशक उनकी स्थिति अलग अलग होगी, कोई पहली सीट पर बैठा है, कोई दूसरी सीट पर बैठा है, तो कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है, दूरी अलग अलग होंगी, द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन उनका वेग समान होगा, इसीलिए हमने वेग में 1-2-3 नहीं लगाया। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा को मैं पीछे कॉमन ले ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आप ऐसा समझिएगा एन एम वन स्क्वेयर एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर डेडाडस ऐसे ही लेके जाओ आगे तक। तो इसमें से मैंने 1/2 इधर की साइड में कॉमन ले लिया है, इधर क्या हो जाएगा एम एन आर एन स्क्वेयर और ये यहाँ पर मैंने ओमेगा स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यानी ये चीज़ तो ऊपर वाली लाइन में है। ठीक है, समझ में आने बात, यानी कि 1/2 मैंने सभी में से इधर कॉमन ले लिया और ओमेगा पीछे कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वेयर का अंदर ये बचा, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका हो गया, देखिएगा ये हो गया आप लिख सकते हो इसको सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वेयर। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर यानी जोड़ है, जैसे हम मैं कहता हूँ कि सिग्मा एक्स है तो मतलब क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस X3 डडडा ऐसे ही सिग्मा एम आर आई स्क्वायर यानी आई का मतलब है 1-2-3 जितने भी हैं आई बराबर कुछ भी ले लीजिए आप आई लगाओ या मत लगाओ मतलब क्या है सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि ये आपका हमने डायरेक्ट भी बता रखा था ये किसकी समीकरण होती है, ये होती है जड़ता आवरण की समीकरण, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ये जड़ता आवरण का मतलब कितना आई ओमेगा स्क्वायर, तो के बराबर कितना आ गया आपका देख ही लीजिएगा, देखो के बराबर आ गया आपका के बराबर आ गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में आ गई, तो ये तो हो गया आपका ये घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछ लेता है कि एकांक की बात करें तो ये तो यहीं तक करना है, यहीं तक व्यंजक यदि पूछ ले गतिज ऊर्जा का व्यंजक पूछ लेते यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन यदि पूछ लेगा मैं मान रहा हूँ माना कि ओमेगा बराबर हमने क्या मान लिया एकांक मान लिया, क्या मान लिया एकांक मान लिया, जब मैंने एकांक मान लिया तो मतलब क्या हो जाएगा इसका कोणीय वेग का मान 1 हो जाएगा बराबर 1/2 आई हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 2k बराबर आई, या आप लिख सकते हो आई बराबर 2k। तो मतलब इससे सिद्ध क्या होता है, अतः सिद्ध होता है कि एकांक यहां पर लिख दे रहा हूं कोणीय वेग से घूर्णन करने वाले पिंड का जड़त्व आवरण उसकी गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है, उसकी गतिज ऊर्जा का समझ आ गई बात, यानी कि सिद्ध होता है कि ये 2 गुना है गतिज ऊर्जा का 2 गुना है क्या जड़ता है, सिद्ध होता है कि एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए पिंड का घूर्णन करने वाले पिंड का जड़तावरण उसी गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। ये आपका ये क्वेश्चन भी इस तरीके का आता है ग्रुप करवाई बराबर 2k तो ये भी ग्रुप हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन समझ में आया है वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।